हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में समझेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर हाई सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? सिंपल से एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। जैसे हम किसी पानी में, ठीक है, कोई पानी में अगर हम नमक घोलते हैं तो यहाँ पे नमक हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जो घोलता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे नमक और पानी के घुलने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा या जो एब्जॉर्ब होगा उसी को ही सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट में और डिटेल में समझेंगे कि नमक पानी में क्यों घुलता है। सो सॉल्वेशन एनर्जी किसे कहते हैं? जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा उसी को ही सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सराउंड द आयन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम NaCl का एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम क्लोराइड का, और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस आयनिक कंपाउंड को जब हम पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में अगर डालते हैं, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डालते हैं तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, बेसिकली वाटर का फॉर्मूला होगा H2O। ठीक है, जिसमें H जो है पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, ये क्या होंगे? ये जो सॉलिड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसके चारों ओर जो है ये सराउंड हो जाएंगे। ठीक है, चारों ओर जो है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होके जो है जुड़ जाएंगे। सो द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द क्लोराइड आयन। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड होगा वो क्लोराइड आयन से अट्रैक्ट होगा, एंड द नेगेटिव एंड अट्रैक्ट आर पुल द सोडियम आयन। ठीक है, तो सोडियम आयन जो है नेगेटिव साइड से, वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट होगा, सिंपल सा है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस पुल द सोडियम एंड क्लोराइड आयन लीव द क्रिस्टल लैटाइस एंड गेट्स इनवेलप्ड बाय द अपोजिटली चार्ज ends of the water molecule that is sodium chloride dissolved in water through sodium and chloride ion। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसको आप डायग्राम में इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। बेसिकली सोडियम क्लोराइड कैसे वाटर में घुलता है उसको बताया गया है। सो दिस प्रोसेस इज इनक्लोजिंग एन आयन बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसको हाइड्रेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। देखिए, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये मान लो ये हमारा वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, इसमें हमने NaCl डाल दिया। अब NaCl Na+ NCl- होता है, हमने वाटर का भी देखा, H+ O- H+ होगा। तो ये जो वाटर है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है मान लीजिए, ठीक है, तो ये प्लस और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके एक पोल में जो है पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव वाला जो पोल होगा वो सोडियम आयन जिसमें प्लस चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको जो है इस प्रकार से कवर कर लेगा। ठीक है, वाटर का नेगेटिव जो आयन, नेगेटिव वाला जो पोलर पार्ट होगा वो सोडियम आयन को कवर कर लेगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन को जो है पूरा कवर कर लेगा, और इस प्रकार से ये पूरा कवर होगा। बेसिकली NaCl का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो उसमें NaCl पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एकदम अरेंज होते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्टली अरेंज होते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है उनको ऐसे घेर लेंगे और उसको अलग कर देंगे। ठीक है, अलग कर देंगे, जिससे जो है ये NaCl जो है वाटर में घुल जाएगा। ठीक है, NaCl इस प्रकार से पूरा एकदम क्लोज पैक्ड होगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको घेरेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, एंड उसको जो है फिर खींच के अलग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिर जो है वाटर में घुल जाएगा। ये सिंपल सा है। और दिस प्रोसेस ऑफ इंक्लोजिंग एन आयन बाय वाटर, ठीक है, इंक्लोजिंग ऑफ एन आयन, ठीक है, ये जो आयन है इनको इंक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज पैक्ट में है तो इनको इंक्लोज कर रहे हैं पानी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है, एंड सम एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज होता है, जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, इतना टर्म आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कैन हैपन विद एनी डाइपोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये किसी भी डाइपोलर सॉल्वेंट में ये प्रोसेस होता है। देयर फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ जनरल टर्म लाइक सॉल्वेशन, एंड द एनर्जी रिलीज इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये प्रोसेस किसी भी डाइपोलर सॉल्वेंट में हो सकता है, इसलिए इसको जनरल टर्म में जो है सॉल्वेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, मेन तो हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, ये NaCl इसमें घुल रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको हाइड्रेशन कहेंगे। लेकिन किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में हो सकता है, इसलिए इसको जनरल टर्म में हम सॉल्वेशन कहते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, उसको ही सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाएगा। तो ये हो गया सॉल्वेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन को हाई सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है लैटाइस एनर्जी। सो किसी भी लैटाइस एनर्जी लेस होना चाहिए, ठीक है, एंड सॉल्वेशन एनर्जी हाई होना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, सॉल्यूशन फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूशन फॉर हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड हो गया, कितना घुल सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको घोलने की, मतलब कि कैसे घुलेगा वो, ठीक है, ये सब जो है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे लैटाइस एनर्जी जो है अगर कम होगा तो ज्यादा अच्छे से घुलेगा, सॉल्वेशन एनर्जी हाई होगा तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे से घुलेगा, तो सॉल्वेशन एनर्जी हाई होगा। एंड पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो आयनिक सॉलिड आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड लीस्ट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सिंपल सा है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसमें, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है, तो डेफिनेटली आयनिक सॉलिड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही होते हैं इसमें भी, तो उसको जो है इंक्लोज करेगा, इजिली इंक्लोज करेगा। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलैरिटी सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर सॉल्वेंट होगा तो बहुत इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, और पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा तो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने के लिए, ठीक है। तो ये पोलर नेचर, बहुत पोलैरिटी वाला जो नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक साइज, इफ रेडी ऑफ एनायन बी लार्ज वाइल कैटायन बी स्मॉलर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सिंपल सा है, रेडियस भी इंपॉर्टेंट है, आयनिक साइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर एनायन जो है लार्ज होगा तो उसी कैटायन जो है स्मॉलर होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट है। इसके बाद आयनिक चार्ज, ठीक है, मोर द आयनिक चार्ज लेस बी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो आयनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन एनर्जी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसका बेसिक डेफिनेशन एंड ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बनाएंगे तो भी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने से भी पूरा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, मेन जो है ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्वेशन एनर्जी। बीएससी लेवल के एग्जाम्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए इस यूनिट का, बेसिकली ये टॉपिक सॉल्वेशन एनर्जी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयनिक बॉन्ड यूनिट में मिलेगा। तो अगर आपको इस कंप्लीट यूनिट का कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए जिसमें आपको ये सभी टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप डायरेक्ट इंस्टामोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दैट पीडीएफ स्टोर। एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।